फिरकों का नशा सिर से अभी तक नहीं उतरा, फिरकों का नशा सिर से अभी तक नहीं उतरा, ये जानते हुए कि कयामत की घड़ी है। काज जगाऊँ तो इसे मैं किसे जगाऊँ, काज इसे मैं जगाऊँ तो किसे जगाऊँ, खादिम तेरी कौम तो बेहोश पड़ी है, खादिम तेरी कौम तो बेहोश पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बहुत खुश भी हूँ और बहुत अफसोस के साथ भी ये वीडियो बना रहा हूँ। खुश इस बात का, इस नीट ऑफ द आवर में जो मशक्क़त अपने जान हथेली पे लेकर हमारे लद्दाख के गांधी ऑफ लद्दाख, में कहता हूँ उसको सोना मांगचुक, अपनी जान हथेली पर लेकर जिस प्रकार से लद्दाख के मफाद के लिए एक आवाज़ को बुलंद किया और उसके पीछे आज जिस प्रकार से लेह के आवाम ने जो अपना करेज दिखाया है, जो अपना जुनून दिखाया है, जो अपना यकजहती दिखाया है, इसको देख के मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। वाकई में आज चंडीगढ़ से मैं सलाम करता हूँ लेकिन तमाम गयूर आवाम को, तमाम भाई बहनों बूढ़े बुजुर्ग एस्पेशली का सोना मांगचुक एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री थुरतन सेवंग साहब को। और मैं एक सेक्शन हमारे पर्टिकुलर करगिल के आवाम से नहीं, क्योंकि आवाम इस चीज़ को अच्छे से नहीं जानता कि कल हमें सख्त शेड्यूल मिले तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। एटलीस्ट सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इनको ये तो मालूम है अगर हमें कल सिक्स शेड्यूल मिले तो इसके कितना असर पड़ेगा हमारे आने वाली फ्यूचर्स और नस्लों पे। ये जानते हुए भी आज अपने मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं, अपने आँखों पर पट्टी लगाए हुए बैठे हैं, ये चीज़ देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। और जब मीडिया वाले ज़बरदस्ती जब कल हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के पास गए कि आपका क्या स्टैंड है, तो बड़ी मुश्किल से मजबूरी में बोलना पड़ा कि हम इसका हमायत करते हैं, हम फख्र करते हैं। और बड़ी मुश्किल से केडीए की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया कि हम इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रेस नोट, चलो तब भी शुक्र है, अदरवाइज मैं सोचता हूँ इस सिचुएशन को देख के जिस प्रकार से सोना मांगचुक के ऊपर यूटी प्रशासन की ओर से जो मुसीबतें अब थोप रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है हमें एकजुट होकर सब सोना मांगचुक का वॉइस बनकर हमें आगे आना चाहिए था। और उसका जवाब आज लेह के आवाम ने कितने बेहतरीन तरीके से एक हुजूम समंदर की तरह लेह के पोलो ग्राउंड में आके किस प्रकार से आप लोगों ने वो प्यार जाहिर की, वो यकजहती जाहिर की, मैं आज सल्यूट करता हूँ, मैं दिल से सलाम करता हूँ आप सभी को। और मेरा कहना ये है हमारे करगिल के आवाम से नहीं, रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, स्टूडेंट कम्युनिटी जो एसोसिएशन से, उन सभी से कि आज नहीं तो कब, इफ नो टुडे देन व्हेन, कि आप अपने मुंह से पट्टी उतार कर यू विल स्पीक आउट। करगिल की आवाम, आप सभी को ये बात मालूम है जिस शेड्यूल ट्राइब का मैं और आप सब मिलकर बड़े ऐशो आराम से फ़ायदा उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, हम सब याद रखें ये किसकी मशक्क़त और मेहनत से हमें मिला था। यह मैं आज फ़ख्र के साथ कहता हूँ लेह के लीडरशिप के कारण हमें ये मिला था। और लेह वालों ने जित जहद की यूटी के लिए, उस समय ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि विद लेजिस्लेचर तो मैंने कभी नहीं सुना था, चलो विदाउट लेजिस्लेचर मिला, जो कि हमें विद लेजिस्लेचर मिलना चाहिए था। और करगिल वाले फिर कहेंगे गामा ले तांस, गामा ले तांस, गामा लेपस खेरे, लेपस खेरे, वो चे मैं गिर
आज आप देखो कि लेह वाले सिख शेड्यूल के लिए कितना मशक्कत अपने हाजान हथेले पर लेकर लड़ रहे हैं अपने हक। पहली बात तो ये है, ये अपना हक मान रहे, न किसी से भीख मांग रहे। और अगर कल सिख शेड्यूल मिलता भी है तो सिर्फ और सिर्फ लेह वालों को इसका फायदा नहीं मिलना, पूरा इंटायर लद्दाख, बोथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख विल गेट बेनिफिटेड। फिर आप किस मुंह से, किस आंखों से आप उसका फायदा उठाओगे करगिल वालों? क्योंकि इस नीड ऑफ द आवर में आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने की जहमत नहीं की और माइंड में लेपा लेपा बच उछा चुक। सोनम वांगचुक इज नॉट ए पॉलिटिशियन नॉर अ रिलीजियस स्कॉलर, ही इज ए जेंटलमैन विथ नोबल एंड ट्रांसपेरेंट हार्ट। आज मुझे फख्र होता है, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करते थे तो सोनम वांगचुक सर के इमेज से हमें जाना जाता था कि आपके लद्दाख में ऐसा एक साइंटिस्ट है सोनम वांगचुक, क्या आप उसको जानते हैं? तो हम फख्र से कहते थे वो हमारे उस्ताद है। आज उस बंदे के साथ आप लोग नहीं उठ पाए, उस बंदे के लफ्जों में आप लब्बैक नहीं कह पाए, तो ये नफरत ले करगिल का, ये नफरत आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। अगर आज सोनम वांगचुक साहब एक पॉलिटिशियन होता या रिलीजियस एक वो होता तो तब भी कहते नहीं ये तो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर है, हम क्यों करें। मैं कहता हूँ जो भी इंसान अगर कौम के मफाद के लिए बात करें, कौम के मफाद के लिए बोले तो उसका ज़रूर साथ देना चाहिए। और वाकया जिस तरीके से आप अपने स्टैंड पर अड़े रहे और जितने जुल्म और तशद्दुद आपके ऊपर फेंकना चाहा तब भी आपने उसको पी लिया, सर मैं क्या बताऊँ, हमारे पास आपके लिए अल्फाज नहीं। मैं एक बहसियत सोशल एक्टिविस्ट, मेरे पास उतनी ताकत तो नहीं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल एक यूथ होने के नाते मैंने यहाँ चंडीगढ़ में अपने रूम के बालकनी में जाकर मैंने अपना सॉलिडरिटी, अपना जिम्मेदारी इंसानियत के तौर पर समझते हुए मैंने शो किया था। और इंशाल्लाह आगे भी लद्दाख के मफाद के लिए भी जब भी बात आए तो ज़रूर, चाहे वो लेह के लीडरशिप में हो, करगिल के लीडरशिप में हो, मैं ज़रूर साथ देता रहूँगा और देता रहूँगा। बिकॉज दे डिज़र्व सच रिस्पेक्ट, दे डिज़र्व सच सपोर्ट फ्रॉम अस। और मुझे आज वल्ला शर्म आते हैं कि करगिल मतलब किस माइंडसेट के साथ चल रहा है। मतलब आज वो बंदा अपना एक पर्सनल बेनिफिट के लिए इतना जान हथेले पे लेकर लट नहीं रहा, वो पूर्त ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल के फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए वो आज 5 दिन फास्ट पे रहा और हम सब चुप रहे, आंखों पर पट्टी, मुंह पर पट्टी लगाकर, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं, ना कुछ हमने देखा। लेह के भाई और बहनों, जिस प्रकार से आज आप लोगों ने यकजहती शो की, जिस प्रकार से आज आप लोगों ने सोनम वांगचुक साहब की आवाज़ पर लप्पे कहकर उसका वेलकम किया अपोलो ग्राउंड में, खुदा की कसम मेरे पास शब्द ही नहीं मैं उसको बयान करूं। ए मेरे करगिल के लोगों, उठो कि ये वक्त नहीं सोने का, नहीं इनकलाब का है। उठो मेरे करगिल के गयूर के अवाम, ये वक्त सोने का नहीं इनकलाब का है, कि ये मसला न मेरी न तेरी बल्कि पूरे लद्दाख की फ्यूचर का है। मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अपना ये वीडियो क्लिप बंद कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक राइट टाइम पे हम सबको अपना हक मिल के ही रहेंगे।
Always remember, we are each much as strong as we are united. We are each much as strong as we are united. Each much as weak as we are divided. Jai Hind, Inqilab Zindabad, Bharat Mata Ki Jai.